हेलो गाइस, इज अ व्हाट्सअप टाइम। सो गाइस, आपका भी व्हाट्सअप बैन हो चुका है। और भाई, अनबैन करने की प्रोसेस सबमिट करने के बावजूद भी जो है आपका व्हाट्सअप अनबैन नहीं हो रहा है। नहीं भाई, इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें? अब हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद आपका व्हाट्सअप 100% अनबैन। तो गाइस, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन से स्टेप जो है आपको फॉलो करने पड़ेगी, ये सारी सारी जानकारी जो है आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर करके बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, चलता हूँ मोबाइल के स्क्रीन पर और आपको सब कुछ जो है क्लियर करके बता देता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले जो है आपको अपना क्रोम ब्राउजर ऐप ओपन कर लेना है। देन सर्च बार पर आपको टाइप कर देना है व्हाट्सअप सपोर्ट, या फिर व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट भी आप सर्च कर सकते हो। ये मैंने सर्च कर दिया। तो कहीं सर्च कर देने के बाद आप देख सकते हो आपके फोन पर जो है कॉन्टैक्ट सपोर्ट का जो है ऑप्शन आ जाता है। हमको क्या करना है, जो फर्स्ट वाली साइट है वहां पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज, तो गाइज लोड हो जाने के बाद अब जो है आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। देखिए, आपको क्या मिलता है, दो ऑप्शंस मिलते हैं, तीन ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन हम दो ही ट्राई करने वाले। पहला ऑप्शन मिलता है आपको व्हाट्सअप मैसेंजर सपोर्ट, और ठीक है, उसके नीचे मिलता है व्हाट्सअप बिजनेस रिपोर्ट। आपके सामने दो ऑप्शन मिलते हैं। तो गाइज, मान लीजिए आप जो है व्हाट्सअप ऑफिशियल मैसेंजर चलाते हो तो आपको फर्स्ट वाले साइट पर क्लिक करना है। अन्यथा आप जो है व्हाट्सअप बिजनेस यूज करते हो तो आपको व्हाट्सअप बिजनेस सपोर्ट लिखा है वहां पर क्लिक कर देना है। गाइस, आप कौन सा यूज करते हो ये ध्यान से देखना है और इस प्रोसेस को सही से समझना है। और उसी पॉइंट पर जो है कॉन्टैक्ट यूज लिखा है वहां पर क्लिक कर देना है। मैं व्हाट्सअप मैसेंजर यूज करता हूँ तो मैं व्हाट्सअप मैसेंजर पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद गाइस, अब ध्यान से देखिए तो कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है अपना सबसे पहले कंट्री सिलेक्ट कर लेना, आप किस कंट्री में रहते हो, या फिर पाकिस्तान से हो या फिर जो भी कंट्री से हो। मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया सिलेक्ट कर देता हूँ। देन उसके बाद आपको उसके ठीक नीचे एक ऑप्शन मिलता है, वहाँ पर ऑप्शन मिलता है हमें फ़ोन नंबर का। तो गाइज, आपको जो है ध्यान रखना है, वो फ़ोन नंबर ध्यान से डालना है, मतलब बिल्कुल करेक्ट नंबर होना चाहिए, ना कि कुछ गलत हो गया, दो आंकड़े इधर दो आंकड़े उधर। तो गाइज, ये जो है इससे आपका व्हाट्सअप अनबैन नहीं होने वाला, इसलिए ध्यान रखिए वही नंबर यहाँ पर करंट नंबर आपको ऐड करना है जो आपका व्हाट्सअप अकाउंट बैन हो चुका है। इतना हो गया गाइज। उसके बाद ईमेल एड्रेस और कंफर्म ईमेल एड्रेस। अब आती है बात दोस्तों ईमेल एड्रेस की। तो आपको जो है अपना ईमेल एड्रेस, जो भी आपका ईमेल हो, उसे सही से जो है यहाँ पर ऐड कर देना है। गाइस, बहुत से लोग जो है इसे गलत तरीके से डालते हैं, या फिर गलत स्पेस लगा देते हैं सामने में, या फिर कैपिटल का स्मॉल, स्मॉल का कैपिटल कर देते हैं। इसके वजह से जो है आपको मेल नहीं आ पाता, जो आपका व्हाट्सअप है अनबैन नहीं होता है। दोस्तों, ये दो ट्रिक मैंने आप लोगों को बता दी है। अब बात यह है हमारे सबसे नीचे में, अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, हाउ टू यूज़ व्हाट्सअप। तो आपको जो है आप अपनी किस डिवाइस में व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हो, आप एंड्रॉयड में यूज़ कर रहे हो, आपका आईफोन है, या फिर आप किसी वेब या फिर डेस्कटॉप साइट में ओपन कर रहे हो, जो भी हो सकता है आप अदर कर सकते हो, या फिर आप जो भी डिवाइस में यूज कर रहे हो। मैं एंड्रॉइड में कर रहा हूं तो भाई मैं एंड्रॉइड रखूंगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया गाइस। ये बात या आपने ध्यान से कर ली तो आपका व्हाट्सअप जो है अनबैन हो जाएगा। अब उसके नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलता है, प्लीज एंटर यूअर मैसेज बिलो। तो अब यहाँ पर क्या टाइप करना है ध्यान से देखिए, आप देख सकते हो गाइस मोबाइल स्क्रीन पर, बिल्कुल ध्यान से देखिए तभी जो है आप इसे ऐड कर पाओगे। इसको कॉपी कर लेना है, फिर आप इस चीज़ का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसे जो है इसमें कॉपी करके ऐड कर सकते हो। गाइस, इतना हो गया। अब जो है आपको सबसे नीचे में नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। गाइस, 24 घंटों के अंदर जो है आपका व्हाट्सअप अनबैन हो जाएगा। गाइस, ये मैंने खुद ट्राई, और मेरा व्हाट्सअप भी बैन हो गया था, तो जो है वो अनबैन हो चुका है। तो गाइस, इसी ट्रिक की मदद से जो है आप अपना व्हाट्सअप अनबैन कर सकते हो। तो गाइस, ये जानकारी थी मैंने आप लोगों को बता दी है। भाई, मेरे इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इसके लिए इतना ही, मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।